तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तुम कहाँ जा रहे हो इतने खूबसूरत लिबास में? मैं तो एक सफ़र में हूँ और उस दहलीज को ढूंढ रहा हूँ जिसके आगे से दुनिया का आगाज़ होगा। दुनिया? तो तुम भी दुनिया के सफ़र में निकले हुए हो। इसका मतलब तुम्हारी और मेरी मंजिल एक है। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो उस दहलीज का रास्ता? हाँ, मुझे पता है उस जगह का। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ, मैं तुम्हें लिए चलता हूँ। आखिर तुम हो कौन? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूँ। तुम्हें क्या बताकर भेजा गया है? क्या मतलब क्या बताकर भेजा गया है? तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा मकसद? मैं तो बस इन मिट्टी के पुतलों को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए भेजा गया हूँ। फकत जिन्हें तुम मट्टी का पुतला कहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता इन्हें क्या कुछ बख्शा गया है? इनके पास खुद का वजूद है, खुद की सोच रखते हैं। ये चाहें तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। शायद इन्हें मट्टी का पुतला कहना मुनासिब नहीं होगा। ये तुमसे किसने कह दिया? ये इंसान, इनके हाथों में बस लकीरें हैं, और लकीरें भी ऐसी कि जिनकी तकदीर पहले से ही दर्ज कर दी गई है। ये अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, ये जो चाहें वो कर सकते हैं। मैंने अक्सर ही कितने इंसानों को यहाँ से गुजरते देखा, पर मेरा सामना किसी से नहीं हुआ। दिखने में एकदम खूबसूरत और मुकम्मल दिखाई देते, गोया खुद के खुदा हैं। खुदा? खुदा फकत एक है जो सबका खालिक है, और ये अपने खुदा नहीं हो सकता। इनका खालिक भी वही है जिसने हर चीज़ को खल्क किया है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया ऐसी तख्लीक दे दी गई है? ये जिन्हें तुम मट्टी का पुतला कह रहे हो, दुनिया सिर्फ इनके लिए बनाई गई है। ये हमसे बहुत बेहतर हैं हर लिहाज में। इनमें इल्म है, इनमें कुव्वत इरादी है, इनमें इल्म है, इनमें कुव्वत इरादी है। हाँ, शायद बेहतर भी हैं, लेकिन ये सिर्फ गलत और सही में पहचान करने के लिए उन्हें ये सलाहियत दी गई है, ना कि वो दुनिया में अपनी मनमानी करते फिरें और खुद को खुद का खुदा बनाते फिरें। और अगर कर भी लें तो इन्होंने कौन सा ताहियात यहीं रहना है? ये तो ताहियात जिंदा रहने वाले हैं। ये अपना मकसद खुद तलाश करते हैं, ये अपने फैसले खुद लेते हैं। ये जब चाहे मर सकते हैं, ये चाहे तो जिंदा रह सकते हैं। तुम मौत जैसी तल्ख हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये फकत मिट्टी है जिनका आगाज भी मिट्टी है और इनका अख्तिताम भी मिट्टी। मौत के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये इनकी मुट्ठी में है। ये जब चाहें जिस किसी को भी मौत से हमकिनार करवा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये दुनिया और इसमें बसने वाले इंसान सब फानी है। हाँ, इन्हें ये इज्जत ज़रूर हासिल है कि ये फैसले कर सकें, और इसीलिए इन्हें देखने, सुनने और बोलने की सलाहियत दी गई है। लेकिन उसका मकसद एक ही है कि ये सही और गलत में फ़र्क कर सकें। और अगर ये हदायत इन्हें ना पहुंचाई जाती तो ये फकत अपने लग्जिशों, चाहतों और ऐबों का पुतला होता। और तुम अपनी हालत देखो, तुमने मेरी मदद की तो अब शायद ये मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं हकीकत क्या है। तुम अपने अकायद पर नज़र सानी करो, उन्हें समझो कि दर हकीकत खुदा कौन है, ताकि तुम्हें इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी नुकसान ना उठाना पड़े। शायद तुम सही कह रहे हो,
मुझे अपने आप को बदलना होगा, मुझे अपनी बका के लिए अपने आप को बेहतर करना होगा, मुझे अपने आप को एक अलग सांचे में ढालना होगा। ये लो, पहुंच गए हम अपनी मंजिल की तरफ। किस कदर खूबसूरत सफर था ना। मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा साथी मिला, जिससे मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे काम आ सका, और बेशक इस सफ़र बहुत हसीन था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा दुनिया में भी आमना सामना होगा। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। ज़रूर। अरे रुको, ये तुम्हारे पीछे इतनी गर्दो गुबार कैसी? गर्दो गुबार? मैं तो बड़ी एहतियात से चल रहा था। तुम परेशान मत हो, अपना लिबास उतारो, यहाँ पास ही एक दूध सी सफ़ेद और मीठी नदी बहती है, मैं तुम्हारे कपड़े बिल्कुल साफ़ और चमकदार, बिल्कुल पहले जैसे करके ला दूँगा। मगर मुझे यहाँ पास कोई ऐसी नदी नज़र नहीं आती। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें इसी जगह पर लेकर आया हूँ, वहाँ का रास्ता भी मैं जानता हूँ। लाओ अपना लिबास दो। तुम यहाँ पास ही इंतज़ार करो, मैं चंद लम्हों में लौट आऊँगा, बैठ जाओ। माफ़ कीजिएगा, यूँ आपको तंग कर रहा हूँ, असल में मैं पास ही से गुजर रहा था तो अचानक बारिश होने लगी, मैंने दूर से आपके घर लाइटें चलती देखी तो सोचा इधर आ जाऊँ। क्या मैं कुछ देर अंदर क्याम कर सकता हूँ? जी जी, श्योर, आई वुड लाइक टू हेल्प समवन। बहुत शुक्रिया आपका, जैसे ही तूफान थमेगा मैं वापस अपने रास्ते को निकल जाऊँगा। फिक्र की कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जितनी देर मर्जी इंतज़ार कर सकते हैं। वैसे ताज्जुब है कि आप मुझे नहीं जानते। क्या मतलब आपका, मैं समझा नहीं। क्या आप अखबारात नहीं पढ़ते? माफ़ कीजिएगा, ना तो मैं खबरें देखता और ना ही सुनता हूँ। अक्सर लोग अपना वक्त इस चीज़ में बर्बाद नहीं करते। खैर, आपको बताता चलूँ कि मैं एक जज हूँ। आप जज से तो वाकिफ होंगे क्या होता है। जी, अच्छे से मालूम है। आप अपना तारुफ तो करवाइए। मेरा तारुफ
मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ जो कभी इधर तो कभी उधर भटकता रहता है। मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि आते जाते इंसानों को सीधी राह दिखाता रहूँ, उनके काम आता चलूँ। इसको आप मेरा पेशा समझ दें या मेरा तारुफ। आपके ब्रीफकेस में क्या है? इसमें इसमें किसी की बहुत कीमती इमानत है, बस उस तक इसे लौटाना चाहता हूँ। क्या मैं ये मेरा रास्ता बहुत तकलीफ देता। जी जी श्योर। बहुत परेशान मालूम होते हैं। खैरियत तो है, इंसान जज हो और उसके माथे पे परेशानी का बल ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। जब आपके हाथ में किसी की जिंदगी और मौत का फैसला हो, अक्सर टाइम पे ऐसे फैसले करने बहुत मुश्किल नजर आते हैं। कल सुबह कोर्ट में सारों की आंखें कान मौजूद होंगी। इस मुजरिम का फैसला मैंने सुनाना है। सारे सबूत मौजूद होने के बावजूद भी कुछ नामुकम्मल सा है। ऐसे मानिए होता है जैसे सच और झूठ मेरे सामने हो और फैसला करना मुश्किल। दुनिया का सारा दारोमदार ही सच और झूठ पे मबनी है। क्या सच है क्या झूठ है, एक मामूली इंसान के लिए इसमें फर्क तलाश करना आसान काम नहीं है। हकीकतन सच और झूठ में फर्क तो बहुत वाज़ेह और नुमाया है, पर इसको जुदा करने वाली लकीर बहुत बारीक है। गोया एक दूसरे का अक्स मालूम होते हैं, और इसी लकीर में इंसान कभी इधर तो कभी उधर भटकता रहता है। पर इंसान है, ऐबों और चाहतों के पुतले हैं। उस बात पे यकीन करना पसंद करते हैं जो इन्हें आसान लगता है, जो इनके बहुत करीब है। वाह, खुश ख्याल और खुश लिबास भाई, आपने तो मुझे मुतासिर कर दिया। ये सिकंदर गौहर, इसकी तस्वीर यहां कहीं केस इस पे तो नहीं चल रहा? तुम इसको कैसे जानते हो? बहुत अच्छे से जानता हूं मैं इसे, माजी में बहुत गहरा ताल्लुक रह चुका है मेरा इससे। अकेला ही फर्द है, अपने इरादों का बहुत पुख्ता। इसके माँ बाप क्या? इसके माँ बाप क्या? इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अकेला रहता है, जो भी खाता कमाता है अपने लिए कमाता है। इस पे एक फैक्ट्री के मालिक का कत्ल का इल्जाम, तमाम सबूत मेरे पास मौजूद भी हैं, लेकिन कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहे, कुछ कुछ डायरेक्शन नहीं निकल रही उनकी। देखें, आप मुझे इस तरह अच्छे से नहीं जानते कि मेरी बात का यकीन कर सके, पर मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि आम रोज मासूम इंसान दिन दहाड़े मारे जाते हैं दूसरे इंसानों के हाथों, लेकिन जो कसूरवार होता है वो अगले ही दिन आजाद फिर रहा होता है। क्या मतलब? सिकंदर जिस तरह दिखता है वैसा है नहीं, बाहर से बहुत मासूम और सादा है, पर अंदर से बिल्कुल इसके बरक्स। आपके कहने का मतलब क्या? क्या सिकंदर ने इस फैक्ट्री के मालिक का कत्ल किया? सिर्फ फैक्ट्री मालिक का कत्ल नहीं, ये अपने माँ बाप का भी कातिल है। क्या वजाहत इस बात की? सिकंदर एक बहुत मफाद परस्त इंसान है, इसने अपने वालदैन का बहुत दरिंदगी से कत्ल किया और घर की सारी जायदाद और दौलत लेकर फरार हो गया। किसी को इस बात की भनक भी ना हुई। जब ये सारे पैसे अपने याशी और नशे में गवा बैठा तो एक फैक्ट्री में मुलाजिम लग गया, लेकिन मुलाजमत करना और किसी के हुक्म की पासदारी करना ये सिकंदर के बस की बात नहीं थी। और जब पैसे और दौलत का नशा किसी इंसान को लग जाए तो उसे हाथ रोकना आसान काम नहीं। पहले अपने माँ बाप की दौलत को ज़ाया किया, फिर दूसरों की दौलत पे अपना हक जमाने लगा। आपको ये सारी बातें कहाँ से पता लगी? आप किस यकीन से ये बात कर सकते हो? इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये बात कहाँ से पता लग गया।
मैं सिर्फ इस मुआशरे से बुराई और झूठ ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर रोज़ मासूम इंसानों को मार दिया और मरवा दिया जाता है। अब जब असल कसूरवार को सज़ा देने की बारी आई है तो मेरा नहीं ख्याल आप जैसे इंसान के लिए इस बात का फैसला लेना कोई मुश्किल होगा। अगर ये बात सच है तो जी माफ कीजिएगा भाई, बहुत बारिश हो रही है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ देर कयाम कर सकता हूं अंदर। क्या मतलब है कयाम कर लूं? अपना हालत देखो, इस नंगे वजूद से तुम्हें अपने घर में आने दूं? मुझे तुम्हें देखा नहीं जा रहा। जाओ, जैसे जैसे ही बाहर बारिश नहीं की मैंने आई एम सॉरी सकता, मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकता। बस बस क्या तुम किधर जा रहे हो? तुम यहां धोखेबाज, तुम मुझे अकेला छोड़कर यहां दुनिया में कैसे आ गए हो? क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं लगी तुम्हारी बात की। दुनिया में आ गए हो, कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ना तुम वापस आए, ना मेरा लिबास वापस आया। मैं तुम्हारा इंतजार करता रह गया और तुम इस दुनिया में आ गए। और आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? किस इंसान को आपने घर घुसा लिया? इसके कपड़े देखें, इसकी हालत देखें, बल्कि कपड़े तो ना होने के बराबर हैं। इसको बाहर निकालें। तुम इस हालत में मेरे घर में जबरदस्ती घुसे हो और मेरे ही मेहमान से बदतमीजी कर रहे हो? होते कौन हो तुम? चलो जाओ मेरे घर से बाहर। पर ये लिबास, ये मेरा लिबास है, ये वही लिबास है जो तुमने मुझसे चोरी किया था। लौटाओ मुझे ये लिबास, धोखा देना बस करो लोगों को, लौटाओ मुझे मेरा लिबास। बस करो मेरा लिबास, मेरा लिबास, इतना खूबसूरत लिबास तुम्हारे पास नहीं हो सकता। निकलो, बहुत हो गया, जाओ मेरे घर से बाहर निकलो। इसने आपको भी धोखा दिया और ये आने वाली दुनिया में हर इंसान को धोखा देगा, हर इंसान। ये कालक है, ये गलासत है, ये अंधेरा है, ये सिर्फ एक खूबसूरत झूठ है और कुछ नहीं, सिर्फ एक खूबसूरत झूठ है और कुछ नहीं। शिद्दत और बेसब्री से इंतजार था। मुस्लिम सिकंदर गोहर की आज आखिरी पेशी थी जिस पर फैक्ट्री मालिक के कत्ल का मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सब बयानात और सबूत को मद्देनजर रखते हुए सिकंदर गोहर को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का फैसला सुना दिया है। जी हाँ, सिकंदर गोहर को कातिल करार देकर सुनवाई के फौरन बाद फांसी का वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हम आपको अपनी जरा